दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं फरियाल में साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। तो अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में आपको भी जरा बता दूँ। मैंने यहाँ एक बड़ा आलू को छील के छोटे पीस में काटा है और लगभग 1.5 कटोरी साबूदाना को मैंने रात को 2 बार धो के थोड़ा पानी रख के उसको पूरी रात भिगाया था। आप देख सकते हो कि वो एकदम अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया है। और अभी मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, उसमें जीरा डाल। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एकदम देसी सिंगदाने हैं, आप देख सकते हो इसका पिंकनेस। तो ये मैं स्पेशल जो हमारे यहाँ विंटर में एक मेला लगता है उसमें सब देसी चीज़ें बेचने आते, तो ये मेले में से मैं लाई हूँ। तो उसका अब हम ग्राइंडर में भूका करेंगे। 1 कटोरी मुझे चाहिए। दोस्तों, मैंने साबूदाना की खिचड़ी के लिए लगभग 1.25 कटोरी सिंगदाना लिया है और 3 मिर्ची। अब उसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। 3 मिर्ची और सिंगदाने को मैंने ऐसा भूका किया है ग्राइंडर में, आप देख सकते हो। अब कढ़ाई में तेल रखेंगे। दोस्तों, अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में हम साबूदाना और आलू की खिचड़ी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 3 बड़े टेबल स्पून ऑयल में जीरा डाला है। अब जीरा हो गया है तो मैंने जो काटे हैं वो आलू डाल रही हूँ। सब आलू डाल देंगे। मैंने जो काटे थे वो पूरा आलू डाल दिया है। अब उसमें मैं थोड़ी हल्दी, क्योंकि हम हल्दी खाते हैं, बहुत लोग हल्दी नहीं खाते तो वाइट बना सकते हो। हल्दी और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा, क्योंकि हम ग्रीन मिर्ची डाल रहे हैं। ये डाल के, नमक डाल के मैं उसको ढक के पकाने रख दूंगी आलू। दोस्तों, मैंने आलू में 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच शुगर का जो पाउडर था वो डाला है। अब हम आलू को ढक के पकाएंगे थोड़ा, लगभग 5 मिनट। तो आलू पक रहे, मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया है 5 मिनट के लिए। मैंने थोड़ा करी पत्ता भी उसमें डाला है जिससे साबूदाना की खिचड़ी में अच्छी खुशबू आए। दोस्तों, हमारे आलू जो ढके थे वो पक गए। अब हम उसमें साबूदाना जो रात को भिगा के रखा था वो डाल रहे हैं। आप देख सकते हो साबूदाना बिल्कुल पानी नहीं है ना, पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। मैंने सब मसाले को सब साबूदाना के साथ में मिक्स कर दिया है। अब हम उसमें सिंगदाना और मिर्ची का जो भुक्का किया है वो डालें। सब मिक्स कर दिया है मैंने, सिंगदाना का भुक्का और मिर्ची। अब उसको ढक के 2 मिनट पकने देंगे। दोस्तों, मैंने साबूदाना में जो सिंगदाना और मिर्ची का भुक्का है वो डाला। उसको मिक्स अच्छी तरह से करके फिर 2 मिनट ढक के थोड़ा पकने देंगे जिससे साबूदाना भी सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों, हमारी साबूदाना की खिचड़ी तैयार है। हम उसमें धनिया पत्ती बहुत सारी डालते हैं। धनिया पत्ती का न्यूट्रिशन वैल्यू इतना है, बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। अब 1 मिनट और थोड़ा ढक के पकने। दोस्तों, हमारे साबूदाना सॉफ्ट हो गए। मैं उसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ।
तो ये हो गई महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाना की पराली खिचड़ी। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। दोस्तों, अनगलो रसोई की रंगत में हमने महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी बनाई है। उसके 5 स्टेप इस प्रकार है। मैंने 1.5 कटोरी साबूदाना को रात को 2 बार धो के पानी में थोड़ा लगभग 1 इंच जितना पानी रख के पूरी रात भिगने दिया। और सेकंड स्टेप में मैंने एक बड़े आलू को छील के छोटे छोटे काटे, आप देख सकते हो आलू की साइज़। और थर्ड स्टेप में मैंने 1 कटोरी सिंग दाना और 4-5 मिर्ची का मिक्सी में भुक्का किया। फोर्थ स्टेप में मैंने कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून ऑयल में जीरा डाल के, जैसे ही जीरा हो गया मैंने उसमें आलू डाले और आलू को मैंने नमक हल्दी के साथ में पकने दिया 2 मिनट। जब हमारा आलू पक गया तो दोस्तों मैंने उसमें लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच पिसी हुई शुगर खांड। और मैंने फिर उसमें आलू जब पक गए तब 4th स्टेप में मैंने उसमें साबूदाना डाला और साथ में ही सिंग दाना और मिर्ची का जो क्रश किया था वो डाला और सब मसाले को अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स किया। फिर कढ़ाई को 2 मिनट के लिए धीरी आंच पे मैंने ढक के रख दिया, जिससे साबूदाना और सब मसाला मिक्सअप हो जाए, साबूदाना भी सॉफ्ट हो जाए। और 5th स्टेप में मैंने उसमें धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव और नींबू निचोड़ा और तैयार हो गई आपकी बहुत स्वादिष्ट साबूदाना की शिवरात्रि स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी। आ जाओ दोस्तों, आप भी खा लो हमारे साथ, शिवरात्रि का व्रत कर लो। मैं अनिल आशा फ्रॉम अनगलो रसोई की रंगत आपका हरदम प्यार चाहते हुए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।